अच्छा जी, पीछे किसी हेलो, टॉपिक में वालेकुम किसी को अस्सलाम। कोई इशू या कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं पहले। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैनेजमेंट साइंसेस, बिजनेस कंपेटिटिवनेस, और कंपेटिटिवनेस से रेलेवेंट जो बिजनेस स्ट्रेटजीज होती हैं। ये आपके कोर्स के अंदर दो बड़े टिपिकल टाइप के मॉडल्स हैं कंपेटिटिवनेस के, जो के मतलब जब तक आप बिजनेस से रेलेवेंट कोई ना कोई स्टडीज में कहीं पे इन्वॉल्व होंगे, ये मॉडल्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। एक बिजनेस में कॉन्सेप्ट है बड़ा इम्पोर्टेंट, कंपेटिटिव एडवांटेज का। अच्छा, पहली बात तो ये कि देखें, कंपेटिटिवनेस क्या, मेरी ये आवाज सारों को डबल आ रही है? नो नो सर सर जी, नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक आवाज आ रही ठीक है। है। वो फिर वो स्टूडेंट के लड़के, अगर आप लोगों के ये किसी में आता है ना, तो काइंडली इस पे मैसेज या ये ना पूछा करें। वो असल में आपका जब नेट का सिग्नल वीक होता है या कुछ ऐसा वैसा होता है ना, तब प्रॉब्लम आता है। तो वो आप रिफ्रेश कर लिया करें अपना लिंक, तो फिर वो दोबारा से ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर सिग्नल आपके वीक होंगे या लूज होते हैं, तो उसकी वजह से इशू होता है। अच्छा जी, कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है, पहली बात, कंपेटिटिवनेस एग्जिस्ट कब करेगी? जब कंपटीशन होगा। कंपटीशन कब होगा? जब किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में मोर देन वन कंपनीज एग्जिस्ट करें, तो कंपेटिटिवनेस एग्जिस्ट करेगी। अब एडवांटेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ऐसा क्या करें जो आपका कंपेटिटर नहीं कर रहा, और उसकी बेसिस पे आप वो कंपटीशन उससे विन कर लें। क्योंकि मोर देन वन पार्टिसिपेंट्स जब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि जो सबसे ज्यादा बेटर हो, जिसकी बेसिस पे बाकी कंपनीज आपसे पीछे रह जाए और आप बाकियों से आगे निकल जाए। अच्छा, सिर्फ ये नहीं होता, और ये कंपटीशन वन टाइम विन करना नहीं होता, आपने इस पोजीशन को सस्टेन भी करना होता है। मोस्टली कंपनीज अराउंड द ग्लोब कभी कभी कंपेटिटिव एडवांटेज ले लेती हैं, बट उस एडवांटेज को सस्टेन नहीं कर पाती। कहता है ये हम कंपेटिटिव एडवांटेज को अंडर थ्री मेन अप्रोचेस या थ्री मेन स्टेप्स में इसको एनालाइज करते हैं। नंबर वन, कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मेन कंपेटिटिव फोर्सेस कौन सी। अगर आप उन कंपेटिटिव फोर्सेस को कंट्रोल कर लें, कंपनी कंट्रोल कर ले या उनको अच्छी तरह से डील कर ले, तो वो कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकती है। इस बात को सपोर्ट करता है पोर्टर्स का, माइकल पोर्टर का फाइव फोर्सेस मॉडल। एक बंदा है माइकल पोर्टर, बेसिकली उसने फाइव फोर्सेस मॉडल दिया, अभी हम करेंगे। देन नंबर टू, गुड। अच्छा, नंबर टू कहते हैं कई ऐसे तरीके जिससे आप कंपेटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि वो डिफरेंट वेज जिससे आप कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं, इसका मतलब है कि एज ए कंपनी, एज ए बिजनेस, आपके अंदर कोई ऐसी एक यूनिकनेस एग्जिस्ट करेगी जिसकी बेसिस पे आप अपने कंपेटिटर से कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते।
इसमें पोर्टर्स की जेनेरिक स्ट्रेटेजीज एग्जिस्ट करती है। जेनेरिक को इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से किसी भी एक तरीके से आपने कंपेटिटिव एडवांटेज गेन किया ना, वो एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि नंबर वन के हर हाल में होगा, और नंबर टू आप उसको सस्टेन भी कर पाए। थर्ड कहता है कि किस तरह से डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करके और डिपार्टमेंट्स किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं बिजनेस कंपेटिटिवनेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। तो आज की हमारे तीन मेन टॉपिक्स जो के नंबर वन जेनेरिक स्ट्रेटजीज, नंबर टू आप बात करें पोर्टर्स की फाइव फोर्सेस, नंबर थर्ड आपके पास वैल्यू चेन, और एक कॉन्सेप्ट वैल्यू एडिशन का। क्योंकि वैल्यू चेन एनालिसिस ये जो वो कह रहा है ना, डिपार्टमेंट या एक्टिविटीज आप क्या किस मैनर में परफॉर्म करें और डिपार्टमेंट्स अपना रोल किस तरह से प्ले करें, ये डिपार्टमेंट्स और ये एक्टिविटीज कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है या ये उसमें फर्दर वैल्यू एडिशन करते हैं। देखिए ना, आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपके कंपेटिटर की भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है, बट आप एक स्पेसिफिक कंपनी की ही प्रोडक्ट क्यों परचेज करते हैं? उसमें कोई ऐसी बात होती है कि वो उस हद तक आपकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं, या आपका जो एक्सपेक्टेशन का लेवल होता है वो गुड उस चीज को वो या वो सर्विस उस लेवल को अचीव करती है, तब ही आप डिसीजन ऑफ बाइंग करते हैं। अब सबसे पहले जेनेरिक स्ट्रेटजी। पोर्टर ने कहा कि डिफरेंट तरीके हैं जिसके थ्रू हम मार्केट के अंदर कंपेटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। अच्छा, अब उसके अकॉर्डिंगली कहता है ये तीन मेन स्ट्रेटजीज हैं जिसको आप फॉलो करके कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। अच्छा, बट लेटर ऑन जब ये इसने मॉडल प्रेजेंट किया, लेटर ऑन साथ ही उसने कहा ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों स्ट्रेटजीज एट ए टाइम सक्सेसफुली आप इंप्लीमेंट कर पाए और ये तीनों की तीनों ही सक्सेसफुल हो, ये जरूरी नहीं। बट कहता है इसमें से एक स्ट्रेटजी भी आपने अडॉप्ट कर ली, उसकी बेसिस के ऊपर आपने कंपेटिटिव एडवांटेज गेन किया, तो कंपनी अगर कंसिस्टेंट रही उस स्ट्रेटजी के साथ तो वो सस्टेन करेगी इस पोजीशन। सबसे पहली स्ट्रेटजी है कॉस्ट लीडरशिप। आज से कोई ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कि हर टाइम पे इंपॉर्टेंट रहा, बट आज से कोई बात कर लें आप 6 7 साल पहले तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है, और इस चीज पे फोकस ज्यादा रहा कि कंपनीज कॉस्ट लीडर कैसे बने। ये कॉस्ट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट क्या है? अब आपका कंपेटिटर है, आपका राइवल एग्जिस्ट कर रहा है इंडस्ट्री में, डिफरेंट कंपनीज हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपने वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर्स वाला, कि भाई परफेक्ट कंपटीशन भी होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में आपने मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ऑलिगोपली, डेओपली, मोनोपसोनी, ये डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अगर
कंपेटिटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर तो आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करेंगे, वन प्राइस टेक करो। अब एक से ज्यादा जब फर्म्स एग्जिस्ट करेंगी तो आप उसके साथ कंपीट किस तरह से करें। तो यहां पे वो कहता है कॉस्ट लीडरशिप एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि बेसिकली जिसमें कंपनी ने ये बात मेक श्योर करनी है कि वो मार्केट में उस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर करे जो कि आपका कंपेटिटर बियर नहीं कर सकता, या उस प्राइस के ऊपर आपका कंपेटिटर प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकता या सर्विस ऑफर नहीं कर सकता। अब ये क्यों होता है, कैसे अचीव कर पाते? वन ऑफ द मेन एलिमेंट ऑफ प्राइस इज कॉस्ट। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल या मिनिमाइज कर पाए, तो इसका मतलब ये है कि जिस कॉस्ट के ऊपर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं आपका कंपेटिटर नहीं कर पाता। और ये ऐसे ही नहीं, ये लेवल आ जाता, इसमें कई तरह की एफिशिएंसीज रिक्वायर्ड होती। आम में से जो लोग ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी या लाहौर के हैं, उन्होंने एक नाम सुना हुआ है सेवर फूड्स का। आप में से है कोई इस्लामाबाद, पिंडी या लाहौर का सेवर फूड का नाम सुना हो? हाँ सुना हुआ। अच्छा, ये ना पुलाव कबाब का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मार्केट में इन्होंने लॉन्च किया था। ये कॉस्ट लीडर्स हैं, कैसे? अब मैं बताता हूं उन्होंने किया क्या। जिस प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट अपनी ऑफर कर रहे हैं ना, और जिस तरह की वो सर्विस और जो क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, कोई और नहीं कर पा रहा, उसकी रीजन। अब हर कंपनी जो कि ये कॉस्ट लीडरशिप एडवांटेज गेन करेगी, मैंने कहा इसके पीछे डिफरेंट एफिशिएंसीज हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, अगर उसमें वो सक्सेसफुल होंगे तो ही करेंगे। अच्छा, अब आप देखें जो आपकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस की आप बात करें, तीन मेन एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जिस कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई और नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो इसका मतलब वहां पे ये है कि आपने इन तीन एलिमेंट्स में से किसी चीज पे कंट्रोल हासिल कर लिया। मतलब अब आपको मटेरियल की कॉस्ट कम पड़ गई तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। नंबर टू, लेबर की कॉस्ट कम पड़ गई। अब ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी मार्केट में बाकी कंपनियों से सैलरी अपने इंप्लॉयज को कम देते हैं, नो, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये उनकी लेबर इतनी स्किल्ड है कि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, ये जितना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो हाईली एफिशिएंट है, वो उनकी सैलरी से ज्यादा वो जस्टिफाइड करते हैं। वो आपने पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वाला, ये वही कॉन्सेप्ट है। आगे नंबर थर्ड, कि आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लें, मिनिमम कर लें, ओवरहेड्स को कंट्रोल कर लें। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने राइस ट्रीटमेंट प्लांट परचेज किया। अब तो पूरी राइस मिल्स है ना, तो जो उनकी प्रोडक्ट का मेन रॉ मटेरियल था उस पे कंट्रोल हासिल किया। अब वो डायरेक्टली
राइस परचेज करते हैं, उसको ट्रीट करके जितनी ब्रांचीज है उसमें यूज करते हैं, तो रॉ मटेरियल का उनके का मेन कंपोनेंट है। देन नंबर टू पोल्ट्री इंटर हो गए, तो इसका मतलब है वो जो मटेरियल यूज करते हैं प्रोडक्शन में उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। दैट्स वाई वो अपनी कॉस्ट को मिनिमम करता है। तो हर कंपनी के पास कोई ना कोई ऐसी चीज, ऐसी स्ट्रेटेजी लाजमी हो कि जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट को कम कर पाए, मिनिमम कर पाए या कंट्रोल कर पाए, ताकि जिस कॉस्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें कंपेटिटर ना प्रोड्यूस कर पाए। इसमें फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, कई कंपनीज इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज लेके ये चीज करती है कि वो असल में कंपनी साइज में इतनी बड़ी होती है, जैसे केसीओ की बीच में एग्जांपल है कि भाई उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने ज्यादा हैं कि उन्होंने इतने ज्यादा ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं, तो वो जब रॉ मटेरियल परचेज करते हैं बल्क बाय करते हैं। दैट्स वाई जब मटेरियल की कॉस्ट उनको कम पड़ेगी तो वो पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये पहली स्ट्रेटेजी। नंबर टू कहता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? कहता है देखें ये कब सक्सेसफुल होती है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी तब सक्सेसफुल होती है जब आप जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं मार्केट से ऑन द बेसिस ऑफ फीचर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट यूनिकनेस, आप एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर पा रहे होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए कई दफा जब आपको ये मसला हो कि भाई डैंड्रफ है, तो आपके माइंड में फौरन नाम किस चीज का आता है, हेड एंड शोल्डर्स या क्लियर का। अच्छा यूं ही अब डिफरेंट वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, सन सिल्क में, पैंटीन में, इनफैक्ट हेड एंड शोल्डर्स के अंदर भी, वरना हेड एंड शोल्डर में एक ही वेरिएंट आता था, वो ब्लू कलर का जिसका कैप होता था और व्हाइट कलर की बॉटल होती थी, ऊपर ब्लू रंग की प्रिंटिंग। डिस्टॉर्शन आ रहा है, सॉरी सर। यार ये राहत काइंडली अपना माइक अनम्यूट मत किया करो। अच्छा अब मसला क्या हुआ कि देखें हर ब्रांड ने अपनी प्रोडक्ट लाइन इतनी ज्यादा एक्सटेंड कर दी कि पैंटीन ने शायद कभी नहीं सोचा था या सनसिल्क ने नहीं सोचा था हमें डेंड्रफ वेरिएंट भी लॉन्च करना पड़ जाएगा। अब वो ग्रीन कलर अलग, ब्लैक वेरिएंट अलग, पिंक अलग, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन कि उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट में ऐसे कौन से डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं कि जो कंपेटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। ये बेसिकली कंपनी खेल रही है कस्टमर के परसेप्शन लेवल्स कि आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को कैसे परसीव करते हैं। तो ये बड़ा मेन कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर क्या ऐसी चीजें ऐड करें, ऑफर करें कि उन फीचर्स की बेसिस के ऊपर, उन यूनिक पॉइंट्स की बेसिस के ऊपर आप क्या कर पाए अपने और कंपेटिटर की प्रोडक्ट में क्लियरली डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाए, कस्टमर जब बाइंग या परचेजिंग डिसीजन करे तो वो जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आपने क्रिएट किया वो लोग उस पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन को एडॉप्ट करके, उन चीजों को परसीव करके परचेजिंग
का प्रोसेस डन है। देखें जैसे आप ट्रेवल करें पाकिस्तान से बाहर या किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में, कई एयरलाइंस में बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास ये कॉन्सेप्ट्स जब एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ डिफरेंस क्या होता है सर्विसेज का, क्वालिटी का। इसी तरह अब क्या है कि प्रोडक्ट में भी क्या है, यूं ही अब कुछ प्रॉब्लम और है डिफरेंसिएशन के साथ। हमारी ब्रांड्स के साथ अटैचमेंट जिस लेवल की होती है वो अटैचमेंट चेंज हो गई। वो आपको बताया था किस वजह से, ये डिफरेंसिएशन उसमें मैं आपको बताया था। मतलब अब मोस्ट कॉमनली अगर आप जेंडर ओरिएंटेड हो जाएं तो उसके अंदर, अब अगर आप बात करें टिपिकली लेडीज की, तो इनको हर चीज मैचिंग चाहिए, कलर्स नहीं तो वो देखे ना, शैम्पू तो वाइट भी हो सकता था, उसके अंदर बस फार्मूला अलग करना था, बट वो उन्होंने उसमें वो कलर क्यों ऐड किया, टेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी को ब्लू कलर पसंद होता है, किसी को ब्लैक, किसी को व्हाइट, आप उसके अकॉर्डिंगली परचेजिंग डिसीजन करते हैं। अब एक शैम्पू है उसमें पिंक वेरिएंट नहीं है, लेडीज ढूंढ रही होती हैं कि पिंक वेरिएंट किसके अंदर मिलेगा, या वो वाला कलर किसमें मिलेगा जिस तरह की हमारी बाथरूम की टाइल। अगर आप ये यूनिकनेस क्रिएट कर पाए जिस मर्जी चीज के ऊपर आप डिफरेंशिएट कर पाए अपनी प्रोडक्ट, समझे आपने कंपटीशन विन कर लिया। क्यों? क्योंकि आपने जो कस्टमर आपका एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे, आपने उसको वो चीज प्रोवाइड कर दी, तो आप सक्सेसफुल होंगे। बिल्कुल वैसे। अच्छा ये जो मॉडल है ना, ये कंट्री टू कंट्री अलग भी होते हैं, बुकिश नॉलेज कॉमन होता है, बट बिजनेस स्ट्रेटेजीज कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, मैं एक बात कहता होता हूँ कि वो लोग बेवकूफ होते हैं जो पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक्स की एग्जाम्पल को फिट करते हैं, क्योंकि जो दुनिया में होता है वो पाकिस्तान में नहीं होता, जो पाकिस्तान में होता है वो दुनिया में नहीं होता। तो कभी भी इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पाकिस्तान की एग्जाम्पल मत कंसीडर करें, यहां सब कुछ उलट हो रहा था। अब हमारे यहां जो डिफरेंसिएशन, वो क्या कॉन्सेप्ट कहाँ तक रह गया, सिर्फ कौन से ब्रांड कितनी सेलें लगाते हैं। हमारे यहाँ तो कस्टमर जब तक सेल का वर्ड नहीं सुनता आप दुकान में परचेजिंग के लिए नहीं जाता प्रोडक्ट, इसका भी क्रेडिट हमारी लेडीज को जाता है माशाल्लाह। नॉर्मली अब एक कंपनी ने पर्टिकुलर सेल का लेवल अचीव करना होता है, वो कर ही नहीं पाती, हर महीने किसी ना किसी नाम की उसको सेल लगानी पड़ती है तो ही प्रोडक्ट बिकती है, अदरवाइज नहीं बिकती, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बट दुनिया में ऐसा नहीं होता। आपके यहां कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सेल्स लगाते हैं, स्ट्रेटेजीज है, सेलिंग स्ट्रेटेजी है, बट बाहर क्या कॉन्सेप्ट है आपको पता है सेल का क्या कॉन्सेप्ट है? सेल कंटिन्यूअसली अगर ब्रांड्स लगाए ना, तो ये समझा जाता है वो कंपटीशन से कंपनीज थक गई हैं, दैट्स वाई वो सेल लगाती हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सेलिंग लेवल अचीव नहीं करता। और हमारे यहाँ देखे ना, कस्टमर्स ने मार्केट ही खुद डिजाइन कर डाली अलग,
ये भाई सेल लगाओगे तो परचेज करेंगे, अदरवाइज परचेज नहीं। उसके बाद थर्ड मेन स्ट्रेटजी जो है वो है फोकस। अच्छा ये जो फोकस है ना, वैसे ये जो मॉडल है ना दुनिया में, ये तीन मेन स्ट्रेटजीज थी, बट लेटर ऑन इसने जब इस मॉडल को पोर्टर ने मॉडिफाई किया था ना, उसने इसको चार में कन्वर्ट कर दिया। फोकस के अंदर एक चीज होती है, पहली मार्केट सेगमेंटेशन। अब पहली बात, मार्केट सेगमेंट है क्या? देखें, कोई भी कंपनी होल पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर सकती, तो अगर आप होल कंपटीशन की तरफ जाएंगे उस केस के अंदर आप अच्छे से कंपीट नहीं कर पाते जब तक के आप स्पेसिफिक ना हो जाए। तो मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है मार्केट्स को आप स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट्स बनवा रहे हैं मार्केट के, उसमें से आप अपने प्रोडक्ट बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करें। प्रोडक्ट बेसिस का मतलब ये है कि आप टारगेट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, अब पैम्पर या ये जो बेबी डायपर्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए नहीं है, बेबीज के लिए ना। तो जो कंपनीज ऑफर करती हैं वो पर्टिकुलर एक एज ग्रुप को टारगेट करती हैं, एडल्ट्स में भी है, बट वो कितने परसेंट पॉपुलेशन ऐसी होगी कि जो उस लेवल की उसको बीमारी हो या ये होगा तो वो यूज करेंगे। बट वो डायपर्स वाली कंपनीज क्या होगी, स्पेसिफिक होगी कि अच्छा हम बेबी ओरिएंटेड प्रोडक्ट को यूज करेंगे। नंबर टू, जेंडर की बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएशन। बाज कंपनीज सिर्फ लेडीज प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, बाज सिर्फ जेंट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो कहता है ये जब आप सेगमेंट्स डिवाइड कर लेंगे तो वहां पे आप अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप देखें, उनमें से किसी ना किसी का एक यूनिक पॉइंट ये होगा कि उसने अपनी डोमेन सिंगल रखी, या तो जेंडर फोकस्ड हो गए या यूं एज फोकस्ड हो गए, कोई ना कोई एक ऐसी चीज उन्होंने की जिसको वो अच्छी तरह से कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे। क्योंकि होल मार्केट को सर्व करना, आपको कंट्रोल करना, वो शायद पॉसिबल ना हो हर एज ग्रुप को, हर जेंडर को। तो वो वहां पे आप फिर बिजनेस लूज कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप क्या करें, फोकस करें। उसके बाद इसी के अंदर वो कहता है, ये जो फोकस है ना, इसमें आप क्या करें, डिफरेंशिएशन फोकस करें। अच्छा ये डिफरेंशिएशन फोकस का मतलब, डिफरेंशिएशन तो अपने आप अपने ऊपर कर लिया ना कि कोई फीचर या ये जो कहता है ना यहाँ पे डिफरेंशिएशन फोकस, उसका मतलब बेसिकली क्या है, यही जो मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मैं वो बताता हूँ, एक मिनट का, ये क्या होती है टेलर के, ये जो मैंने आपको बात की ना कि आप क्या करें, जो जेंडर बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर लें, एज बेस्ड डिफरेंशिएशन कर लें,
आप जॉनसन की मशहूर बेबी प्रोडक्ट्स, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो कहता है इस बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर। ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है, कहता है इसको डेमोग्राफिक फैक्टर्स की बेसिस पे आप डिवाइड करें, पहले सेगमेंट्स बनाने। और फिर वो कहता है दूसरी अप्रोच क्या होती है, फोकस डिफरेंशिएशन। फोकस डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली क्या है, आप क्या करें कि ये जो मार्केट सेगमेंट आपने बनाया, इसमें आप डिफरेंशिएशन क्रिएट करें। और वो डिफरेंशिएशन किस बेसिस पे क्रिएट करेंगे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इनकम, जेंडर, एज ग्रुप, कल्चर, ये सारी चीजें आप यूज कर। अच्छा, ये टेलर्ड का जो मुकद्दस यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहे ना, टेलर्ड का मतलब ये है कि लोग जिस तरह आप कहते नहीं है, ये आप बास चीजें आपको रेडीमेड गारमेंट्स मिल जाती, टेलर्ड प्रोडक्ट सर्विस में आप अपने हिसाब से चीजों को डिजाइन करवा लें, आप खुद चीजें जो स्टिच करवा लेते, जो कस्टमर की नीड एंड वांट है उसके अकॉर्डिंगली। अब मुझे जो कलर पसंद है ये वो, अगर किसी ब्रांड में नहीं मिलता तो मैं खुद वो चीज अपने लिए बनवा लूं। तो इसका मतलब है मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो नीड है, वो फुलफिल कैसे होती। टेलर्ड का मतलब है वो जैसी चीज मैं चाहता हूं मेरे अकॉर्डिंगली मुझे वो चीज मिले। मुकद्दस क्लियर है? ठीक है जी जनाब, अब पूछे ये जेनेरिक स्ट्रेटेजी से रेलेवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी है तो पूछ ले। अच्छा, ये वो टॉपिक है कि जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और सिनेरियो बेस्ड भी आ सकता है। ये मतलब आज तक जितना हमने पढ़ लिया उसमें ये आज से स्टार्ट हुआ है कि ये वो टॉपिक है। स्ट्रक्चर के बाद एक तो वो अप्रोप्रिएट कौन सा, और वो उस पर भी सिनेरियो बना सकता है, और दूसरा ये क्वेश्चन, ये जितने मॉडल हम पढ़ रहे हैं इन सब के ऊपर सिनेरियो भी आ सकता है। वो हम ये कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, कि ये चीज कैसे करनी। अब हम आते हैं नेक्स्ट अप्रोच, जो कि आपका सेकंड है मॉडल, वो है पोटर्स का 5 फोर्सेस मॉडल। ये वही बंदा है माइकल पोटर जिसने जेनेरिक स्ट्रेटेजीज दी थी, उसी ने ही ये 5 फोर्सेस मॉडल दिया था। इसने कहा कि जो भी कंपनी मार्केट की इन 5 फोर्सेस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है या इनको कंट्रोल कर लेता है, वो कंपेटिटिव एडवांटेज है। अब पहली मेन फोर्स कौन सी है, थ्रेट फ्रॉम पोटेंशियल एंट्रेंट्स। अब देखें ना, अगर किसी सेक्टर में अभी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि टेलीकॉम सेक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, नजर आपको 5 आती हैं, बट 2 का तो मर्जर हो गया। ठीक है, हम इसको मतलब बात करें तो 5 कंपनीज हैं जो कि अंडर 4 अम्ब्रेलाज वर्कआउट कर रही हैं। अब इन एग्जिस्टिंग कंपनीज को सबसे बड़ा मेन थ्रेट क्या होता है, इन्हें हर टाइम पे डर होता है जब कभी वोडाफोन अनाउंसमेंट करता है जी हम पाकिस्तान जा रहे हैं, या इन्हें पता लगे कि कोई न्यू टेलीकॉम कंपनी पाकिस्तान में आने वाली है, तो उस केस के अंदर सबसे बड़ा थ्रेट आज की डेट में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कंपनीज को, कि कोई
न्यू प्लेयर ना आ जाए मार्केट। देखिए अब टेलीकॉम मार्केट का जितना भी शेयर है वो इन पांच कंपनीज में डिवाइड हुआ। मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि बेसिकली एक कंपनी कितने नंबर ऑफ कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस देती है, या कितने नंबर ऑफ कस्टमर उस कंपनी की सर्विस या प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यहां से मार्केट शेयर। तो हर मार्केट में अगर आप बात करें, हर कंपनी का कुछ अपना पोटेंशियल होता है। बास कंपनी लार्ज इन साइज होती है, दैट्स व्हाई वो ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर सकती, तो उनका मार्केट शेयर ज्यादा होता है। जो छोटी कंपनी है उसका मार्केट शेयर क्या होगा, कम होगा। अब मसला ये है कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं ना, उनको ये डर होता है हमारा तो मार्केट शेयर लूज हो जाएगा, और दूसरा डर होता है जब मार्केट शेयर लूज होगा, क्योंकि तो मार्केट तो पहले से ही उतनी ही नंबर ऑफ कस्टमर्स की है, अब एक और प्लेयर आ गया तो कंपटीशन तो और बढ़ गया, तो इसका मतलब है वो तो मार्केट शेयर उनका आगे पांच कंपनीज में डिवाइड होता था, अब छह में होगा। जितने नंबर ऑफ कस्टमर को आप सर्विस दे रहे थे आगे, अब तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कस्टमर स्विच कर जाएंगे दूसरी प्रोडक्ट, तो मार्केट शेयर तो लूज होगा, साथ ही साथ असल चीज भाई प्रॉफिट कम होगा। और इन्हें फिर सबसे बड़ा मेन डर इससे भी पहले क्या होता है, वो ये होता है कि भाई ये हमसे लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट में मार्केट मार्केट में प्रोडक्ट ऑफर ना करें, तो हम इनके अगेंस्ट कंपीट कैसे कर पाएंगे, हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे। अच्छा अगर प्राइस की बेसिस पे वो ना ना आए, ये डर तो होता है, बट अगर फॉर एग्जांपल वो उतनी ही सेम प्राइसिंग पे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं ना, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कम करते हैं, उनको डर होता है कि भाई अगर इन्होंने प्राइस कम की तो हम ठीक है फिर अपना मार्जिन सेक्रीफाइस करेंगे, बट एक लेवल तक कर पाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि एग्जिस्टिंग प्लेयर जो हैं वो ऐसा क्या करें कि वो, या वो कंपनी क्या करे कि जिसकी वजह से ये थ्रेट खत्म हो जाए। तो वो बेसिकली कहता है कि आपने वहां इकोनॉमिक्स में एक वर्ड सुना था, इजी एंट्री इजी एग्जिट वाला, वो कॉन्सेप्ट यहाँ कि बैरियर्स क्रिएट करें, हर्डल्स, ताकि जो न्यू प्लेयर है उसको मार्केट में, वो अब वहां पे आपको वो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, वो यहां पे बिजनेस आपको क्लियर करना, वो बैरियर्स या ये वहां पे आप पूछे टीचर, वो पता क्या कहते हैं, वो जी वो पेटेंट राइट ले लेंगे, कॉपी राइट ले लेंगे, ये नहीं, वो तो ठीक है, वो एक टाइप है लीगल बैरियर्स, पर यहां पे तो कॉन्सेप्ट बहुत ब्रॉड है, उससे कहीं बड़ा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। अब वो कहता है वो आप बैरियर कौन से क्रिएट करें, नंबर वन सबसे पहला कहता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप कहता है क्या करें कि अगर एक कंपनी है उसने अपनी पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया, तो वो तो लो प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर कर सकती, तो मे भी हो सकता है कि जो न्यू कंपनी आए वो उस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट ना ऑफर कर पाए। क्यों? क्योंकि भाई उनकी तो कैपिटल कॉस्ट ज्यादा है उस टाइम पे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका प्लांट बगा की सारी चीजें आप वो कर चुके हैं, तो इस तरह से न्यू कंपनी के लिए आप डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं।
दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट का मतलब यहां पे ये है कि भाई बाज इंडस्ट्रीज के अंदर इतनी ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कि न्यू इंट्रेंट घुसते हुए भी डरता, हर कोई नहीं आ सकता तजर्बे के लिए। तो कहते हो आप अपने सेकंड बेसिकली अगर हैं तो ये भी एक बैरियर है न्यू इंट्रेंट के लिए कि वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई, जिस तरह एयरलाइन इंडस्ट्री, लाइसेंस भी महंगा कंपनी ऑपरेट करने के लिए, दूसरा जहाज की तो एक सर्टन कॉस्ट है ना, हर कोई तो नहीं बियर कर सकता। तो ये इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा उसको पे। फिर ये ठीक है, अगर है भी है, उसने कर भी दी इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा? तो फिर यही होगा, इंडिया की किंगफिशर की एग्जाम्पल आपके सामने ही है, विजय माल्या का पूरा स्कैम और सारा कुछ। तो ये बाज इंडस्ट्रीज में ये बाय डिफॉल्ट ये चीज एग्जिस्ट करती है जो कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को सपोर्ट करती है। फिर नंबर थर्ड, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट को किन चैनल्स के थ्रू मेक अवेलेबल करते। किन किन चैनल्स को यूज करके आप अपनी प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं। डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। आपने सुना नहीं, ये मेरे पास जी इस चीज की एजेंसी है, ये वो कौन होते हैं उसके? स्टॉक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि इस कंपनी का स्टॉक परचेज करके तो देन आगे मार्केट में रीसोल्ड कर रहे होते हैं। डिफरेंट टाइप के ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक नंबर वन, अगर हम बात करें पास बिजनेस चीज के अंदर, ये जो चैनल है वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, जिस तरह रेस्टोरेंट्स। नंबर टू, कई ऐसे चैनल एग्जिस्ट करते हैं कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर। पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ऐसे हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर। ऐसा भी चैनल है जिसमें मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, देन रिटेलर और फिर जाके कस्टमर। तो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती हैं ना, उन्होंने तो अपनी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टेब्लिश कर ली होते हैं। अब मसला ये होता है, नया कंपनी आएगी तो वो कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे? कंपनीज के लिए तो ये बड़ा अट्रैक्टिव होता है, वो मार्केट में आए तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मिल गए जिसको कंपेटिटर आपका यूज करता, क्योंकि यही लोग बैठे होते हैं ना बिजनेस में पहले से, यही साउंड तगड़ी पार्टीज होती हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, जिनके पास एक एक दो दो कंपनीज की एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। तो ये क्या कैसे करें? आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टिश्यू में जो ब्रांड था ना, वो एक जमाने में रोज पेटल होता था, बट टक्स ने उसकी कमर ऐसी तोड़ी बेचारे की कि अब वो उस तरह से पॉपुलर नहीं था। और वो हुआ पता है क्या था? हुआ ये था, अच्छा टक्स बेसिकली पहले से पेपर इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, इनका प्लांट पेपर मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट प्लांट है पाकिस्तान का पहले से। इन्होंने किया क्या, इन्होंने डिसीजन लिया कि जी हम वो जो पेपर वेस्ट होता है या बाकी सारी चीजें, इससे हम क्यों ना टिश्यू में भी, टिश्यू इंडस्ट्री में भी घुस जाए। हुआ, उन्होंने सबसे पहले पता किया क्या, उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्वायर नहीं, उन्होंने जो
कंपेटिटर थे ना रोज पेटल के, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे पहले से बैठे हुए मार्केट में, उनको इक्वायर कर लिया कि भाई हाँ वो बेच रहे हैं ये भी बेचे हमारा भी। पहले तो उनको लालच दे के ये यूं, बाद में पैकेजेस ऑफर करने शुरू कर दिए, अब ये पैकेज आ गया, अब ये आ गया, तो वो जो मार्जिन था डिस्ट्रीब्यूटर का वो हाई हो गया। यही उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ साइकी खेली, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कहा जी कि आप पैसा फेंकें, शेल्फ रेंट दें। रोज पेटल बेचारा पीछे पड़ा होता है, पता कि उसकी क्वालिटी बहुत सुप्रीम है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट अब आप जाएं डिपार्टमेंटल स्टोर में तो मैक्स वो पहले या टक्स टिश्यू सबसे पहले आपको नजर आता है, वो रोज पेटल बेचारा कहीं पे पीछे बैठा होता है, तो फिर यही होता है। तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग करें कि भाई आपका जो न्यू इंट्रेंट आए उसको इतनी जगह ही ना मिले कि वो कहीं से अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बिल्डअप कर सके। फिर अगला बैरियर वो है नाउ हाउ का, ये भी बाय डिफॉल्ट है कह लें। इकरा कोशिश किया करो, जब हो ना क्वेश्चन हैंड रेज कर लिया करो, मैं माइक अनम्यूट करके बोल लिया, अब इतना बड़ा पहले मैं मैसेज पढ़ूंगा फिर इसको आंसर करूंगा। एक मिनट सर, हाउसिंग सर्विसेज कंपनी जो हाउस सेल परचेज करते हैं, जो कि जस्ट उनकी एक ही ऑफिस में होती हो, ठीक है, यानी कोई ब्रोकर डायरेक्ट नहीं सेल परचेज कर सकता या किसी सिनेरियो में? हाँ, उन्होंने फिर वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या वो है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो। अब उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो क्या है, कंपनी और कस्टमर, जैसे मैंने अभी रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी है, अब कई आजकल होम डिलीवरी सर्विसेज निकल आई ना आपके सामने, बाइकिया वाले भी हैं, क्रीम वाले भी वो करते हैं, उसके बाद फूड पांडा वाले भी हैं, बाकी भी चीते शीते और बहुत कुछ है जो भी है, बट कई रेस्टोरेंट अभी भी वो कहते हैं भाई होम डिलीवरी सर्विस या तो हम ऑफर कर रहे हैं अपनी, तो या होम डिलीवरी है ही नहीं, जिसने परचेज करनी है चीज वो यहां से आके ले जाए। ये आपकी अपनी साइकी है, आप क्या चीज करना चाहते हैं। तो वो बैरियर टाउन का अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपका। आगे चलते, नाउ हाउ भी बाय डिफॉल्ट होती है। देखें, एक कंपनी जो कि इस टाइम पे एग्जिस्टिंगली किसी भी सेक्टर के अंदर अपनी गुड्स या सर्विसेज दे रही है, उसको उस सेक्टर के बारे में, उस सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है या ये वो एक्सपीरियंस कर चुके, उनके पास उस फील्ड की नाउ हाउ न्यू इंट्रेंट से ज्यादा है। आजकल कहा जाता है जी कि आपने कोई बिजनेस करना है, आपने जिस इंडस्ट्री में जाना है उससे पहले आप मार्केट रिसर्च करें, प्लान्स बनाएं, ये एनालिसिस करें, वो ना, ये सब धरे का धरा रह जाता है, क्योंकि जब आप मार्केट में फिजिकली जाते हैं तो या तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट अडॉप्ट करता है या नहीं करता, सिंपल। और यही एडवांटेज है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को, क्योंकि उसमें उस सेक्टर के बारे में पहले से नाउ हाउ होती, अपने कस्टमर के बारे में पता होता, उस बिजनेस के बारे में उन्हें बाकियों से ज्यादा अच्छी तरह पता होता। और न्यू इंटरनेट को क्या थ्रेट है, उनके पास पैसे होंगे बट जो एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग कंपनी 5 साल 10 साल उस इंडस्ट्री में गुजारने के बाद गेन कर चुकी है, आप वो एक्सपीरियंस नहीं गेन कर सकते, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता आपको उस टाइम, सिंपल। आपको भी 10 साल गुजारने पड़ेंगे उतना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए।
ये भी एक चीज। उसके बाद स्विचिंग कॉस्ट, वन ऑफ द की एलिमेंट। अब ये स्विचिंग कॉस्ट है क्या? इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। स्विचिंग कॉस्ट बेसिकली है, ये वो कह रहा है कि कैसे कस्टमर जो कि एक सप्लायर से जब दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट हो तो उसकी वजह से जो कॉस्ट उनको बियर करनी पड़ेगी वो है। अच्छा, ये कस्टमर का मतलब क्या है? आप एज ए कंपनी भी कस्टमर होंगे, जो कि आप दूसरी कंपनी से कोई सर्विस लाइक रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं या कुछ हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो ऑडिट का कॉन्सेप्ट है, कभी कंपनी किसी से करवाती है, फिर वो चेंज कर लेते हैं, इश्यूज आते हैं, नहीं चल पाते। तो जब आप एक ऑडिटिंग फर्म से दूसरी ऑडिटिंग फर्म पे चेंज, और क्यों होती है कंपनी, रीजन होती है क्वालिटी भी होती, कई और रीजन होते हैं कि बड़ी बड़ी या बिग फोर जो हैं उनमें से हम किसी से ऑडिट करवा लें, नाम भी होगा हमारा, इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी होता है, कई रीजंस है वो सर्विसेज अच्छी देते हैं, इस किस्म के कई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो जारी बात है, जब आप चेंज करेंगे, कोई बड़ा नाम एक्वायर करेंगे, एक सप्लायर से आप दूसरे सप्लायर पे या एक फर्म से दूसरी फर्म पे शिफ्ट करेंगे, तो वो ट्रांसफरिंग कॉस्ट तो आपको बियर करनी पड़ेगी, जो कि वो आपको एडिशनल चार्ज करें पैसे, क्योंकि तो वो सर्विसेज कॉस्टली देते होंगे या मटीरियल कॉस्टली देते होंगे क्वालिटी की वजह से, किसी और कॉन्सेप्ट की वजह से। तो अब मसला ये है कि जो न्यू इंटरेंट आएगा उसके लिए स्विचिंग कॉस्ट बड़ी हाई होगी। अब वो आते साथ कहे जी मैं तो फर्गोसन को अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इतना वो फर्गोसन कोई ऑडिट करने का थोड़े पैसे नहीं लेती, बोरा भर के लेती अकॉर्डिंग टू द स्कोप ऑफ वर्क और बाकी सारी चीजें। तो एग्जिस्टिंग ने तो वो सारा कुछ करके अपना प्रॉफिट का मार्जिन इतना अचीव करके उसने वो एक कॉस्ट ऑफ जो सर्विस थी या ये वो उसने बियर कर ली, न्यू कंपनी कैसे करेगी? फोरा नहीं कर सकती। फिर एक और बैरियर जो कि गवर्नमेंट रेगुलेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, बास कंपनीज के अंदर ना, बास कंपनी कह रहा हूँ सॉरी, बास इंडस्ट्रीज या बास सेक्टर्स के अंदर ये न्यू इंटरनेट को थ्रेट होता है कि मे बी वो जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनको ऑथोराइज ना किया जा रहा कि आप इस सेक्टर में जाएं, कई लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती। फिर वही जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, डिफिकल्टी कर दी लीगल बैरियर्स की वजह से एंट्री, मतलब कॉपीराइट्स ले लिए, पेटेंट्स ले लिए, इस किस्म की चीज ये भी एग्जिस्ट करती है। बट ये हर कंट्री के ना, ये असल में इससे ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स वाले से ये बहुत ब्रॉड है। बास कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं कि वो डिपेंड करते हैं, अब लाइक इंडिया में बात करें, लाइक आप पाकिस्तान में पेट्रोलियम सेक्टर की बात करें, लाइक आप दुबई वगैरह में बात करें। अब यहाँ पे आप इस तरह से बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास लोकल कोई पार्टनर ना हो। मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में आप यू बिजनेस नहीं कर पाते, वहां कंपनी नहीं, जब तक आपके साथ लोकल कोई बंदा पार्टनरशिप ना करे। पाकिस्तान में भी ये जो पेट्रोल पंप ऑपरेटिंग लाइसेंस होता है या ये इसके लिए आपको पाकिस्तानी नेशनल होना जरूरी है, अगर नहीं है तो कई फिर जब बाहर से लोग आके ये जो अफगानियों ने की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में या बाकी करते हैं तो वो फिर आपको लोकल बंदा रिक्वायर्ड है। ये भी गवर्नमेंट रेगुलेशन, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रखी है ना। सेकंड जो मेन फोर्स है, ये तो उसके अंदर थी ना स्ट्रेटेजीज, बैरियर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रेट ऑफ इंटरनेट। अगला है सेकंड फोर्स, पोर्टर की
वो है थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अच्छा, थ्रेड फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का मतलब ये है, देखें अब आपके राइवल और कंपेटिटर एग्जिस्ट कर रहे हैं और आज की डेट में हर कंपेटिटर वो प्रोडक्ट ऑफर करता है जो आप ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी मजबूरी बन गई। अब क्या होता है, ये कंपटीशन इतना नेक टू नेक होता है अब कि आप प्राइस भी नहीं चेंज कर सकते। प्राइस चेंज करेंगे तो लोग अल्टरनेटिव गुड ऑफर कर देंगे, आप क्वालिटी लो करेंगे तब भी आपका कस्टमर सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा। कई कंपनीज आपस में जो कि ये जो सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते हैं जहां पे आप देखिए उनमें बड़ा नेक टू नेक कंपटीशन होता है, इतना नेक टू नेक कंपटीशन होता है। ये देखें एक टाइम तक पाकिस्तान में जब दो शू इंडस्ट्री में दो मेन ब्रांड से बाटा एंड सर्विस आप देखते नहीं थे, दोनों आउटलेट भी साथ खोलते थे, लेफ्ट राइट आमने सामने का कॉन्सेप्ट, ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट होता था फ्लोर्स में। फिर इतना नेक टू नेक कंपटीशन। नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। कहते कई इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो किसी भी कंपनी की जो कंपेटिटिव पोजीशन है ये अफेक्ट होती है ड्यू टू बार्गेनिंग स्ट्रेंथ की वजह से। क्या मतलब, आपका कोई सप्लायर है जो कि आपको रॉ मटेरियल बेचता है, वो अगर आपसे हाई प्राइसेस चार्ज करता है और आप नहीं कर पाते उससे निगोशिएट, अब वो कब होता है, या तो उस इंडस्ट्री में फ्यू नंबर ऑफ सप्लायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक लिमिटेशन में भी ये भी हो सकती है, या वो सप्लायर जिससे आप मटेरियल परचेज करना चाहते हैं वो प्राइसेस ज्यादा चार्ज करता है इसलिए ड्यू टू क्वालिटी, कई रीजंस हो सकते हैं। इसकी वजह से उस इंडस्ट्री के अंदर टेक्निकली जो प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल होता है वो लो हो जाता है। उसके बाद यूं ही बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, कस्टमर रिड्यूस कर दें किसी भी सेक्टर के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी। कैसे, क्योंकि असल में कस्टमर के हाथ में है ना बाइंग पावर, परचेजिंग पावर। कंपनी क्या कर सकती है अगर कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर दे, और जो पावरफुल इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो होता है वो तो भाई इतने तगड़े होते हैं, वो तो आपसे डिमांड करते हैं कि भाई हमें लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो। अगर आपके राइवल ने वो चीज कर दी तो अल्टीमेटली जो कस्टमर है वो तो स्विच हो जाए, फिर आप क्या करें। एंड फिफ्थ मेन फोर्स इज कंपेटिटिव राइवलरी। अब ये जो आप अपने राइवल के साथ किस तरह से कंपीट करते हैं मार्केट प्राइस, ट्रेडिशनल कंपटीशन बेसिस जो थी मार्केट की वो होती थी प्राइस, प्राइस को धकेला पीछे क्वालिटी ने, लोगों के दिमाग में ये है। अब जो कंपटीशन होता है ना मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कंपीट करती हैं। पोर्टर ने कहा ये जो राइवल कंपटीशन होता है ना ये बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, किन केसेस में, जब सेम साइज की हो कंपनीज और उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी सेम हो, मतलब उन दोनों ने
वो चीज को आप कहते नहीं ऑथराइज कैपिटल कह लें, ये सेम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की है। फिर कब होता है सख्त राइवल्स में कंपटीशन? जब किसी भी इंडस्ट्री या मार्केट में बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स एग्जिस्ट करें, फिर तो नेक टू नेक कंपटीशन। फिर ऐसे सेक्टर में बड़ा सख्त कंपटीशन होता है और बड़े सख्त राइवल्स होते हैं कि मार्केट के अंदर जिन चीजों की डिमांड की जो ग्रोथ है उसका लेवल स्लो हो, फिक्स अमाउंट में सेलिंग होती है, आपको कहीं पे कोई वो नहीं पड़ता कि भाई अब इसमें हम बात करें कि वो पहले से जितने लोग सर्विस या वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं उनके नंबर में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत कम। फिर जब आपकी और राइवल की प्रोडक्ट अनडिफरेंशिएटेड हो, मतलब ये है कि आप मोस्टली एक ही तरह की प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, फिर कहता है तब जब इंडस्ट्री से भागने की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो तो फिर आपकी मजबूरी होती है बस कंपटीशन करें और कोई हद आगे इसका हल नहीं, हर हद तक जाएं। जी जनाब पूछें कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो। पूछ लें जी, सर समझ आ रही है, जरूरत ही नहीं पड़ी पूछने की। गुड, नहीं तो हम एक बात कहते थे बाइक शाम। जी लड़के, सर ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सर मैंने किसी जगह पर ये पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है ऊपर जो चार आपने फोर्सेस बताई हैं, ये चारों फोर्सेस मिलके इस कॉम्पिटिटिव राइवलरी को ड्राइव कर रही होती हैं, तो क्या ये सर सही है बात? ये पांचों की पांचों फोर्स, एक फोर्स दूसरी फोर्स को जनरेट करने में हेल्प प्रोवाइड करी, ये पांचों फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर किसी ऑथर ने वहां पे ये बात कह दी कि बाकी सारी मिलके, देखें बाइंग पावर ऑफ कस्टमर ने कहां से आना है, जहरी बात है। अब पर्टिकुलर ये बात है कि कस्टमर आपसे कब आता है, बहस करता है प्राइस के ऊपर, सिंपल, जब उसको प्राइस ज्यादा लगती है, वो ये चाहता है कि आप कम प्राइस पे क्वालिटी ऑफर करें, बट कंपनी नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग पावर फ्रॉम जो सप्लायर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, क्योंकि उसके नेक टू नेक कंपटीशन होने की वजह से जो सप्लायर है वो आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार नहीं, आपको मटेरियल ही कॉस्टली मिला, आपकी जो कॉस्ट है वो इसी वजह से ज्यादा हुई कि आपने मटेरियल कॉस्टली परचेज किया उससे, तो भाई आप कस्टमर को कैसे प्रोडक्ट कम प्राइस के ऊपर ऑफर कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लड़के आप बिल्कुल ठीक ये बात कह रहे हैं कि वो मे बी अगर किसी ने वहां पे उस चीज को मेंशन किया है तो यस, क्योंकि ये आपस में जितनी फोर्सेस हैं ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड है, और असल बात क्या है, ये जो फोर फोर्सेस आप ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इनको मैनेज कर रहे हैं, असल किस चीज के लिए थी? अपने राइवल से कंपटीशन के। तो बिल्कुल यस, मैं एग्री करता हूं इस पॉइंट के साथ। जी और कोई क्वेश्चन किसी का? डर लग रहा होता है जब लोग ना पूछ रहे हो ना, तो दो ही सिचुएशन होती है, हम कहते हैं या तो ऊपर से जा रहा है तो या 100% समझ आ रहा है, अल्लाह करे 100% समझ, बाकी है। सर ये एक चीज और बात क्लियर कर दें, जो आपने सबसे पहली हेडिंग दी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, वो उसकी डेफिनेशन है या आपने स्टार्टिंग पैरा लिया? कंपेटिटिव स्ट्रेटजी ये जो इसमें नंबर 5 फोर्स में सबसे पहला जो कंपेटिटिव एडवांटेज आपने लिखा है ना, सबसे पहली आपने जो डेफिनेशन दी है ये व्हेन द राइवल फर्म्स आर ऑफ रफली एंड द सेम साइज, ये कह रहे हैं सर फर्स्ट पेज पे सबसे पहला। एक मिनट
फर्स्ट पेज पे ये वाला कह रहे हो ना? जी सर, ये कह रहा हूँ कि ये कम्पिटेटिव एडवांटेज आपने लिखा है, तो नीचे जो इसकी आपने डिस्क्रिप्शन दी है, तो इसमें कम्पिटेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन इंक्लूड है? ये बिल्कुल, ये कहता है कम्पिटेटिव एडवांटेज किस बेसिस पे आप, नहीं नहीं ये नहीं है, वो कहता है ये तीन मेन स्टेप होते हैं, ये तीनों मिलके किसी भी कंपनी को कम्पिटेटिव एडवांटेज देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भाई असल में कौन, अब मैंने जो आपको बताया मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में सिर्फ कम्पिटेटिव एडवांटेज मेन चीज नहीं है, असल चीज 100% यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है कॉन्सेप्ट कि आप उस चीज को सस्टेन भी करें। अब वो ये कहने का मतलब ये है कि कम्पेटिटिव एडवांटेज को हम तीन मेन स्टेप्स में एनालाइज करते हैं, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। वो तीन मेन स्टेप्स कौन से हैं? ये जो पहली बात कहता है, दी मेन कम्पेटिटिव फोर्सेस इन एन इंडस्ट्री, कि भाई मेन कम्पेटिटिव फोर्सेस कौन सी एग्जिस्ट करती हैं इंडस्ट्री में, तो आप किस वजह से उसको समझना, उसको एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन फोर्सेस को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ही आप कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको वहां पे ये चीज रिलेट कर दी थी कि इसका आंसर आपको कौन देगा कि ये कंपेटिटिव फोर्सेस कौन सी हैं, ये आपको पोर्टर का मॉडल देगा कि किसी भी इंडस्ट्री में ये फाइव मेन फोर्सेस हैं। अब बात समझ आई, ये डेफिनेशन नहीं है। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब कहीं पे ना कैपेसिटी आउट हो माइंड की, ये स्टूडेंट का राइट होता है, पता है, जब आपको ऐसे फील होना शुरू हुआ करे ना ड्यूरिंग दी लेक्चर कि अब एब्जॉर्प्शन रेट जरा ओवर होने लगे, मुझे उस टाइम पे बताया करें, क्योंकि आगे से अब मैंने एक्टिविटी साथ ही क्लास के अंदर रखनी है कि मैंने आपको ये भी चीज दिखानी है कि आपके पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेलिवेंट इस क्वेश्चन को वो सिनेरियो में अगर दे तो पॉसिबल सिनेरियो किस तरह का हो सकता है, ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है और आपने उसमें आंसर क्या लिखा। उसमें एक मजे की बात, मेरे पास ना कहीं पे लास्ट एक दिन पहले मुझे कोई मैसेज आया, सर ये वो जो कराया ना उसमें हमने विजन स्टेटमेंट डाला, तो उसने कहीं लिखा सर वो एक क्वेश्चन आया हुआ पास पेपर के अंदर ना कि सर विजन स्टेटमेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब वो तो हम देख के आए थे विजन स्टेटमेंट और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ये सारा कुछ। अच्छा, अब वो मजे की बात ये है, मेरे पास तो किसी का नंबर सेव नहीं होता ना, अब वो शरीफ आदमी ने सिर्फ ये मैसेज कर दिया। अब मजे की बात ये है कि वो मैं अब एक यूनिवर्सिटी में भी कुदरती वहां पे भी ये टॉपिक चल रहा था, फिर सीए की एक क्लास पढ़ा रहा उसमें भी कुदरती वो टॉपिक चल रहा था। अब मैं पहले तो इस ये ही कंफ्यूज हुआ आ गया और मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उस बेचारे को ये चीज पूछूं कि भाई हो कौन, भाई कहाँ से पूछ रहे, क्योंकि अब प्रोफेशनल बॉडी में तो उसके क्वेश्चन करने का तरीका कुछ और होगा, यूनिवर्सिटी में जो हम पेपर सेट करेंगे वहां पे पैटर्न कुछ और होगा। तो काइंडली जब आप पूछा करें ना क्वेश्चन हो तो नीचे मेंशन कर दिया करें सर फ्रॉम पीफा क्लास, कि ये मैं वहां से, ठीक है? हाँ ठीक है शाहजी, गुड, नेक्स्ट टाइम ये लाजमी पूछना, वो अभी मैं बता भी दूंगा, ठीक है? ठीक है, कहता है फेवरेबल पोजीशन टू गेन एडवांटेज अगेंस्ट, यस आप ये कह सकते हैं, ठीक कह रहे हैं फिदा। अब है, अब ये तो दो टिपिकल मॉडल थे, अब क्या है, अब यहां पे आके ना वो आपको असल मेन चीज के ऊपर लेके जाने लगा। आपने कंपेटिटिव एडवांटेज ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब यहां से ना जब आप कंपेटिटिव एडवांटेज लेते हैं, आप इंडस्ट्री के मेन प्लेयर बनते हैं, तो यहां पे ये चीज आती है कि भाई आप जब मेजर प्लेयर बन गए तो आपने कस्टमर के लिए क्या किया है? सिर्फ ये किया कि आपके ब्रांड की गुडविल बन गई है तो आप हाईली प्राइस कर दें अपनी प्रोडक्ट को? नहीं, ये नहीं कर सकते। यस, मुकद्दस पोर्टर जो है वो ऑथर का नाम है, माइकल पोर्टर, उसकी सजेस्ट की। अच्छा, तो अब ये तो मतलब नहीं है कि आपने कंपटीशन विन किया तो
आपकी चीजें बिकनी शुरू हुई, लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि आप इस इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा ओवर प्राइस कर दें। नहीं, आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। असल कंपटीशन का मजा तब है कि आप जो कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं वो जो प्राइस उसकी पे करता है, तो उसको ये फील होना चाहिए कि ये जस्टिफाइड है और वो विलिंग हो उस प्राइस को पे करने में। अब मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में ये जो कॉन्सेप्ट आया, जो कंपनीज ने एडॉप्ट किया, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है वैल्यू एडिशन, या आप वैल्यू किस तरह से ऐड कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट, वो ऐसे बेनिफिट्स या ये चीजें कि आपका कस्टमर आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा है। अब जिस तरह मोबाइल में अलार्म एग्जिस्ट करता है, बट कंपनीज क्यों आपको वो नमाज के टाइमिंग और ये सारा, वो तो आप भी सेट कर सकते हैं ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर देते हैं। कई कंपनी ये जिन दिनों में वर्ल्ड कप होता है या ये क्रिकेट इंफॉर्मेशन मैसेज वो ऑफर कर देते हैं। कई ये जो बैंकिंग सर्विसेज में अकाउंट्स हैं आपके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैसेजेस ऑफर करते हैं, कई चार्ज करते हैं। तो वो जो आपने साल के आखिर में वो बैंकिंग सर्विस फी पे करनी है, कई कंपनी, आप मेरे कई अपने दोस्त या ये दूसरों से मैं सुनता हूँ, सर पता नहीं किस चीज का 1500 2000 काट लेते हैं, सर्विस तो देते कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात याद रखें कि बहुत जल्द आपका कस्टमर आपसे लूज होने वाला है, क्योंकि आप अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या करें कि अगर आपने ज्यादा प्राइस रखनी भी है अपनी प्रोडक्ट की, बट आपका कस्टमर तो विलिंग हो ना वो प्राइस पे करने की, तो वो कहता है आप ऐसी वैल्यू ऐड कर दें अपनी प्रोडक्ट में कि कस्टमर को वो प्राइस ज्यादा ही ना लगे। अच्छा, फिर वो कहता है, अब तीसरा मॉडल ऊपर हमने पढ़ा था, ये जो तीसरी स्टेप पढ़ा था ना यहाँ पे, ये जो बात कह रहा था कि हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट इस, ये अब इस चीज के ऊपर आने से पहले ये आपको वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तो सारे पीछे होते हैं ना प्लेयर बैठे हुए, डिपार्टमेंट्स और जो अंदर है स्टाफ वगैरह, ये तो नहीं नजर आ रहा आपको। ये आएगा, अच्छा सेल ज्यादा होगी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सक्सेसफुल हो गया, प्रमोशन सक्सेसफुल हो गई, सारे इनको कह रहे होते हैं। प्रोडक्शन वाले को कोई भी नहीं उस टाइम पूछ रहा होता, असल तो प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर करने में या ये उनका हाथ था। तो ये अब ये जो इस चीज पे हमने आना है कि हर डिपार्टमेंट क्या रोल प्ले करेगा, किस तरह से वो वैल्यू एडिशन करेगा, ये हर डिपार्टमेंट वैल्यू ऐड करता है, तो उससे पहले आपको ये वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना जरूरी है। आप कहते हैं हम किस तरह से वैल्यू एडिशन करते हैं, लाइक नंबर वन, प्रोडक्ट के डिजाइन को अल्टर करते हैं। लाइक पाकिस्तानी लोगों में ना, पाकिस्तान में गाड़ियों में आज तक किसने कंपटीशन विन करके रखा, सबसे ज्यादा गाड़ी पाकिस्तान में कौन सी बिकी, कोई तो बता सकता है? मेहरान सर जी, क्या बात है लड़के, यस, एस का मार्का, कितने साल उसने पाकिस्तानी मार्केट में राज किया। और देखें, ये वो प्रोडक्ट थी जिसके ऊपर रिसर्च कॉस्ट जीरो, कंपनी मेंशन करती है बकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जीरो, निल। और चेंजिंग डिजाइन में नो, सिर्फ चेंज क्या आई, हर मॉडल की बत्तियां अलग कहना है। तो हम पाकिस्तानी बत्तियों के पीछे ही पागल, यही हमारी लेवल है। यस, वो भी कह सकते, बिल्कुल ठीक।
अब मेहरान के जो मॉडल एग्जिस्ट करते हैं ना चेन, ये तो वो किस बेसिस पे, वो आप दुकानदार वो लाइट वो आपसे पूछेगा मॉडल बता दें, बाकी पुर्जा सारा सेम। तो कोई वैल्यू एडिशन? फिर देखिए ना, होंडा का सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांड बिका लास्ट पिछले 2 से 3 साल में? सिविक। और उसमें भी वो जो उन्होंने दूसरी शेप लॉन्च की, सबसे ज्यादा हर इशारे पे आप खड़े हो जाए ना, हर दूसरी से तीसरी गाड़ी आपको वो नजर आती है। क्या साइकिल जहरी बात है मुकद्दर, अभी आपको आंसर लिखने का तरीका बताता हूँ। बिल्कुल आप करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। बस एक चीज देखना, वो जो मैंने आपको बताया ना ब्रांड साइकी चेंज होगी, सेल लगने वाली, और लेडीज ने जिस तरह मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया, ये बस खुदा का वास्ता ना मेंशन करना। जेंट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर लेडी हुई ना आगे पेपर चेक करने वाली, तो फिर उसे बुरा लगेगा, ये देख लेना। अच्छा अब वो उसको भी क्या चेंज डिजाइन, उन्होंने पीछे बत्तियां ही बत्तियां कर दी। वो पहले क्या किस चीज की कितनी को, वो उसके ना वो जहाँ पे पीछे उसको हम क्या बोलते होते हैं, ये मैट वगैरह बम्पर के साथ ना नीचे वो इलेक्ट्रिक शॉक टाइप ना लाइट थी, उसकी इनिशियल कॉस्ट पता है कितनी थी, अगर वो टूट जाती थी डैमेज या ये उस इशारे की, 2 लाख। वो देखो वो बिजली की तरह का इशारा है, क्या बात है। जहां पे कस्टमर की ये मेंटेलिटी होगी, तो कंपनी की थिंकिंग का लेवल भी यही होगा ना। यही चीज प्रोडक्ट डिजाइन, आप क्या चाहते हैं, आपको यूनिक ऑफर करते हैं, आपकी कस्टमर की जो नीड्स हैं उसको मीट करता है। तो बस आप ऐसे डिजाइन कर देते हैं कि वो आपकी प्राइस को जस्टिफाई कर देती है ये चीज। इसके पीछे सिर्फ डिजाइन चेंज करने की वजह से सिर्फ 15 लाख रुपया कॉस्ट जस्टिफाइड है, मुझे नहीं समझ आई आज तक। बारह कस्टमर पाकिस्तान में पे कर ही रहे हैं भाई, बात यहाँ पे फिर ये इसका मतलब है कि कंपनीज ने जो चाहते थे उन्होंने आपकी मेंटेलिटी वो खुद ही डेवलप करवाई। बाहर पूरी दुनिया में कस्टमर एक मेन पावर है, वो डिसीजन ले लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ कंपनी जैसा चाहती है आपसे वैसा करवाती है। शेप क्या हुआ है, थक गए हो? ये तो एंड करना करना है टॉपिक जो ये वाला, फिर आगे देखते हैं। नंबर टू फिर कहता है, जब आप वैल्यू ऐड करते हैं ना, तो कस्टमर के लिए चीज परचेज करना आसान हो जाती है, क्योंकि उसको नजर आता है मुझे प्रोडक्ट के साथ क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, ऐसी क्या चीज है कि इसकी प्राइस मुझे कम लग रही है, इसकी वर्थ ज्यादा है। नंबर थर्ड, या वैल्यू ऐड करके बेसिकली अपने ब्रांड नेम को भी तो प्रमोट कर रहे होते हैं, उसे एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, मार्केट में आपकी गुडविल ज्यादा होती है क्वालिटी की वजह से, किसी और की वजह से। आगे इस तरह से भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप, कि भाई सर्विस ज्यादा क्विकली ऑफर करें, कस्टमर तक वो चीज प्रॉमिस टाइम के अंदर पहुंचे। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में, अगर ये टाइम का कॉन्सेप्ट किसी ने लॉन्च किया था ना, तो आपको वो इंडियन मूवीज से देखने का मिला, डोमिनोज पिज्जा का, कि विद इन टाइम डिलीवर करना, नहीं होता था तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यस बिल्कुल प्रमोशन लगाना, देखा है इकरा ही बोली है, बाय वन गेट वन फ्री। और आजकल तो बस
कहीं जा रहे हो ना हम, या ये तो लेडीज तो रुक जाती हैं पढ़ने के लिए है, कि कितने परसेंट सेल लिखी है। वो छोटे छोटे बच्चों के कार्टून्स नहीं होते, वो कोई चीज देखते हैं अजीब सी, ये वो आंखें उनकी बाहर निकल के कार्टून की जाती हैं, फिर वापस आके लगती हैं। इनका भी यही हिसाब हुआ है आजकल, हमें यही होता है देखे कहाँ पे एड, हम टीवी पे बैठ के देखते हैं इसलिए किस ब्रांड की सेल लग गई, ड्रामे से ज्यादा या उन चीजों से ज्यादा हमें सेल, यही कस्टम, यही है वो कंपनीज जो कि आपकी साइकी से खेल रहे हैं, यही वो चाहते थे, वो करवाया और वो आप जो प्राइस चाहते हैं वो आपसे पे करवाते हैं। तो एज ए बिजनेसमैन आपकी थिंकिंग भी यही है भाई, यही समझना है, ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, बिजनेस के कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट आप तब तक नहीं समझ सकते बिजनेस को जब तक आप अच्छे लर्नर नहीं है। ये सारी चीजें आपको जागना पड़ता है, मार्केट में ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, बिजनेस आइडियाज कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। हम अभी सोचते हैं या मूवी में देखते हैं, अगले दिन वो कंपनी बनी होती है, वो आइडिया मार्केट में होता, क्यों? लोग सिर्फ देखते सोचते नहीं है, वो करते भी हैं। ये चीज हाँ जी, बहुत ज्यादा हो गया है या कंटिन्यू रखूं? शुएब ने कहा थक गए हूँ सर, कहते हैं तो मैं स्विच कर सकता हूँ कि इससे रेलेवेंट ये जो जितना पढ़ा अभी तक इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं पेपर में, या अभी कंटिन्यू करूं टॉपिक खत्म कर दूं? थ्योरी में ख्याल रखना पड़ता है। चलें हम आज जरा, अब हम आते हैं कि इस टॉपिक में से पॉसिबल क्वेश्चन अगर सिनेरियो दे तो सिनेरियो कैसे होगा, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे तो वो कैसे होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक मिनट शेयर कर, या आपसे मैं शेयर भी कर लूंगा, ठीक है ग्रुप, आप ये भी सेंड कर दूंगा आंसर फॉर्म में, ठीक है ना, वो क्वेश्चन। तो एक मिनट, ये है मैंने यूएसबी कहाँ रख दी अपनी, मैं सुबह काम कर रहा था दूसरी जगह पे बैठ के, यूएसबी मेरे पास थी किधर गई, एक मिनट मैं अटैच कर तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। बिजनेस मैनेजमेंट ये वहां पे चैप्टर, ठीक है एक ओके पेस्ट, मिल चलें। अच्छा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखें समझें ताकि आपको पता लगे कि एग्जाम में आपने आंसर किस तरह से करना। हाँ जी ये चेक करें जो स्क्रीन शेयर की नजर आ रहा है सारों, गुड जी सर, ठीक है देखते हैं।
ये देखे, कहता है कि इन अ मार्केट एनवायरनमेंट विच ऑफर एन एक्सेप्शनली हाई रेट ऑफ रिटर्न टू द एग्जिस्टिंग प्लेयर। कहने का मतलब ये है कि एक मार्केट है, उसमें जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनके लिए हाई रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब उनका मार्केट शेयर सब कंपनीज का ज्यादा और वो रिटर्न ज्यादा इंजॉय करते हैं। आगे कहता है द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज इमिटेंट, कि अब ये उनको हर टाइम पे ये डर है कि कोई नया प्लेयर ना आ जाए। फिर कहता है हाउएवर वेल इंटॉच प्लेयर्स इन दीज मार्केट्स हैव सस्टेनेबल एडवांटेज। फिर वो साथ एक बात कहता है, वो ये कहता है एग्जामिनर के भाई इसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन सस्टेन की हुई है, उनके पास वो अपना एडवांटेज उन्होंने सस्टेन किया है। फिर वो कहता है विच एक्ट एज ए डिटरमेंट्स टू प्रोस्पेक्टिव कंपेटिटर्स फ्रॉम इंटरिंग इन दीज लुक्रेटिव मार्केट। वो कहता है वो जो उन्होंने एडवांटेज कंपेटिटिव एडवांटेज जो है गेन किया हुआ है, तो वो कहता है उनके लिए न्यू एंट्रेंट्स के लिए थ्रेट है कि उनके लिए वो जो कंपेटिटर मार्केट में है शायद उनके लिए वो एंट्री उतनी लुक्रेटिव ना रहे। आगे कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली द फैक्टर विच एक्ट एज डिटरमिनेंट्स एंड मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू कमर्स टू इंटर एंड कम्पीट इन सच मार्केट। अब देखें ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये सिर्फ और सिर्फ पोर्टर की फाइव फोर्सेस मॉडल में से जो हमने पहली फोर्स पढ़ी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, ये आपको वो बता रहा है कि न्यू एंट्रेंट उसने बता दिया कि न्यू कमर को आप कैसे रोक सकते हैं। तो वो जो बैरियर्स क्रिएट करते हैं ना एग्जिस्टिंग कंपनीज बेसिकली, या उनको न्यू कमर्स को जो बैरियर्स मिल जाए, ये सिर्फ आपने उनको लिखना था। ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, ये देखें इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, तीसरा एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसके बाद नंबर फोर आप बात करें वो कौन सा है, वो है टेक्निकल नाउ हो, स्विचिंग कॉस्ट और गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये वही। अच्छा अब एक बात याद रखें, जो मैंने पहली क्लास जब ली थी इंट्रो कराया था तो मैंने आपको एक बात कही थी, यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन दिया है 8 मार्क्स का। अच्छा इसका बेस्ट आंसर, अभी इसमें 6 पॉइंट ही बनते हैं, 8वां कोई नहीं, क्योंकि ये मॉडल है जिस बंदे ने दिया उसने ये बातें की थी, तो 8वां पॉइंट मैं 7वां और 8वां मैं कहाँ से ला सकता, नहीं ला सकता। तो एक चीज याद रखें कि कंटेंट जो होना चाहिए वो क्वालिटी का होना चाहिए। मैं मान ही नहीं सकता कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर पेपर क्यों नहीं पास कर सकते। सिर्फ रीजन क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से आंसर ही नहीं कर रहे। तो एक क्वेश्चन ये आ गया, आपको पता लग गया पोर्टर से, एक तरह का क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है, और यही होगा, या तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा या घुमा के आपको उस सेंटर पॉइंट पे। अब ये देखो उसने घुमाया है आपको एक स्टोरी। अब प्रोफेशनल बॉडी में ना इनके पेपर थ्योरेटिकल में ये एक सबसे बड़ा चीज जो होती है ना वो एक क्या है फ्ला, वो ये है, ये आपको एक स्टोरी सुनाएंगे सुनाएंगे सुनाएंगे, और वो किस लिए होता है कि उस टाइम पे ना प्रोफेशनल बॉडीज में स्टूडेंट्स के ऊपर असल में पेपर का प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है, वो क्वेश्चन ही नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। अब आप लोगों ने सारा फोकस मेन इन पहली लाइंस के ऊपर दिया कि हम इसके हिसाब से आंसर लिखेंगे, बट उसने यहाँ पे आपको सिंपली कह दिया वो फैक्टर बताओ भाई कौन से, कि इतनी स्टोरी सुनाने के बाद उसने आपको टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो क्वेश्चन नहीं होता उस पे वो लिया है कि भाई ये तो रट्टा कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको बिल्कुल वो समझ लें कि जो आपने सीधा क्वेश्चन लिखना है जिसको हम रट्टे वाला क्वेश्चन बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें दिमाग इस्तेमाल नहीं, तो ये तो बिल्कुल वो है टू द पॉइंट जैसी चीज है वैसे लिखनी, आपने पढ़ी थी एज इट इज लिखनी, ये वो कह। तो साइकी समझा करें एग्जामिनर की, हर पेपर में ये अपनी आदत बनाए, जितनी आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी आपका पेपर पास होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं जी जो यहां से क्वेश्चन आया हुआ। हाँ ये
क्या कहता है, कंपनी स्ट्राइव टू अचीव कंपेटिटिव एडवांटेज बाय ऑफरिंग ग्रेटर वैल्यू टू द कंज्यूमर्स। अब ये फिर समझा रहा है आपको, कंपेटिटिव एडवांटेज लेते हैं। फिर कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली द कंपेटिटिव स्ट्रेटजी व्हिच अनएबल सम कंपनीज टू अर्न सुपीरियर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट वाइज विज देयर कंपेटिटर्स। सुपीरियर मतलब, अब मैंने आपको बताया था ये एब्सोल्यूट कंपेटिटिव एडवांटेज आपको लेते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, मतलब आपको वो कह रहा है कि पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजीज बताओ, तो वो कौन सी, कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पेनिट्रेशन और नी, ये वही है फोकस। आप इसको फोकस लिखें या वो लिखें, बात एक ही। आगे चलते हैं और देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मे भी हमारे पास एग्जिस्ट करता हो, जो कि एग्जामिनर की साइकी जहाँ से पता लग सके। तो यस, अच्छा नहीं ये भी आगे वो है। इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट है, सस्टेनेबल एडवांटेज, तो वो आप जो है ना वो स्ट्रेटजीज लिखें। अब देखो ये किसने पूछा था, इकरा ने, कि हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये देखें इकरा, दो चीजें होती हैं, एक क्वेश्चन ऐसे होता है जो बॉडी आपसे पूछ रही है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि जब आप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर आप वो वाली लोकल एग्जाम्पल कोट करें, बाकी तो फिर आपकी पूरी दुनिया जिस मर्जी कंपनी की आप एग्जाम्पल दें, कोई मसला नहीं। ये तो इसमें जहरी बात है पाकिस्तान के हिसाब से, ये देखें बोनस का नाम लिखा हुआ है उसने, टाइगर टिकी पैक, ये उन्होंने क्या किया। अच्छा मैं चाह रहा हूँ यहाँ एक डिफरेंट कोई ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होना, वो पता लगे। आ गया वो क्वेश्चन जिसका था इंतजार, ये आपको सॉल्व कराऊंगा, सिखाऊंगा सिनेरियो कैसे सॉल्व करना था। अच्छा ये देखें, ये अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहता है, एक सिनेरियो ऐसा होता है, सिनेरियो की दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड सिनेरियो वो होता है कि उसमें आपको क्वेश्चन के अंदर हर पॉइंट दे दिया, आपने सिंपली उसी में से ऊपर से पॉइंट उठाने और नीचे लिखने, अपना कुछ नहीं लिख सकते। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा होता है कि आपको इनडायरेक्टली उसने एक कहा कि आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर करो और उस एग्जाम्पल के थ्रू आप उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करो। अब जिस तरह ये क्वेश्चन कहता है, मुंतहा ग्रुप इज कंसीडरिंग टू इंट्रोड्यूस एयरलाइन सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री, द मैनेजमेंट ऑफ एमजी इज इन प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द एयर इंडस्ट्री। अब मतलब ये है ना कि वो जा रहे हैं, मैंने जिस तरह आपको कहा था सारी बातें अधूरी रह जाती हैं आजकल, ये जो कंपनी बड़ी बड़ी रिसर्च कंडक्ट कराती हैं, बाकी सारा कुछ कराती हैं, तो ये भी वो कह रहा है मुंतहा ग्रुप है कि जो कि चाह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर कंट्री में एयरलाइन सर्विस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वो कहता है उसकी जो मैनेजमेंट है वो एनालाइज कर रही है उस इंडस्ट्री को, वहां पे देख रही है कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन का क्या लेवल। अब आपने मतलब अपने आप को समझना है आंसर देते हुए कि भाई अब ये कंसीडर कर ले, नहीं भी है बहरहाल कंसीडर तो करना पड़ेगा, कि आप समझे आप उस ग्रुप के सीईओ, ठीक है जी। अब कहता है required explain the competitive forces that may have shaped the airline industry considering Porter 5 forces model, your answer should clearly mention the strength of each force with the related arguments, you may assume necessary details. ab wo bata diya aakhir mein ki jo aapko lagta hai ki pehli baat na, ab aap ceo to nahi hai but theek hai aap assume kare ki aap ceo। अब इसका आंसर कैसे देखें, नंबर वन थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट है। अब जैसे हमने बात की थ्रेट ऑफ न्यू इंटरेंट में हमने क्या पढ़ के आए
कि बेसिकली जो न्यू कंपनी इंटर हो रही है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं विद दी बैरियर्स जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली अब आपने इस चीज का, आप सीईओ हैं, आपने इसका आंसर देना है कि भाई अगर हम एक नई इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो वहां पे जो पहले प्लेयर हैं हमारे लिए कौन कौन से बैरियर एग्जिस्ट कर सकते हैं। नंबर वन, अब मैंने आपको वहां पे भी एग्जांपल दी थी एयरलाइन इंडस्ट्री की, तो इसका मतलब है पहला बैरियर होगा कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये हमारे लिए एज ए न्यू इंटरेंट थ्रेट है कि उस कंट्री के अंदर बेसिकली उस इंडस्ट्री में कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ह्यूज है, लाइसेंसिंग वगैरह परचेज करने पड़ने, बाकी सारा कुछ। फिर नाउ हाउ वाला पॉइंट, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उनको तो फ्लाइट रूट्स का और फ्लाइट ऑपरेशंस का और वो बड़ी अच्छी तरह उनके पास पता है, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, बट हमारे पास तो नहीं। फिर वहां डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बाकी थी उसने, कस्टमर आप कैसे, तो यहाँ पे भी बहुत हाई है कंसर्न कस्टमर सेफ्टी का। ये पाकिस्तान थोड़ी है जहां हर साल कोई ना कोई जहाज गिर जाता। आगे फिर कहता है अगला जो है ना वो गवर्नमेंट रेगुलेशन, कि भाई ये तो हाईली रेगुलेटेड होती है, सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर आ रहा है पाकिस्तान, इसी तरह हर कंट्री की अपनी होती है एविएशन अथॉरिटी जिसके बनाए हुए रूल्स रेगुलेशन। तो ये थ्रेट्स हैं एज ए न्यू इंटरेंट जो हमें सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, कुछ बात क्लियर हुई, क्या करना होता है, कैसे करना होता है? पूछें कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? जी जनाब, ब्रेक मार लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई मसाइल पूछ लें, या ऑल इज वेल? काफी हेल्प मिली आपसे क्वेश्चन से जो आपने दिखाए पास्ट पेपर पे। और मतलब ये भी काफी हद तक, अब ये ना पूछना सर, ये बता दें कि इस दफा वाले क्वेश्चन कौन से होंगे। हम तो यही कर सकते हैं लड़के, फीफा यही कर सकता था, ढूंढ के मुझे ला सकते थे, उन्होंने ला के बिठा दिया। अब मेरा काम है वो चीज आपको कैसे डिलीवर करनी है। ठीक है जी, इंजॉय करें वीकेंड, बट अपने अपने खर्चे पे, आजू बाजू वाले पे नजर नहीं रखनी। किसी को कोई मसला मसाइल, नोट्स मैंने कर दिए थे शेयर, इसके जो क्वेश्चन भी हैं ये मैंने आपको कहा, ये भी अब मैं आपसे शेयर किया करूंगा, ठीक है ना, इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। आपके पास पहले से एक डेटा बैंक बनता जाएगा इससे क्या क्या हो सकता है, हमने कैसे आंसर करना है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, थोड़ा टाइम लगता है चीजें कंपाइल करने में, अलग करने में, तो इंशाल्लाह तो वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये भी आपसे शेयर कर दूंगा। बाकी इन केस आप पढ़ें, आपके क्योंकि मोस्टली लोग वीकेंड पे पढ़ते हैं, आप लोगों में से जॉब होल्डर जो होते हैं, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल जी पूछें। और फिदा नेक्स्ट टाइम नीचे लाजमी मेंशन करें सर पिफा से किया है क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि मुझे आंसर करने में आसानी हो। चलें जी, इंजॉय करें अपने अपने खर्चे पे, इंशाल्लाह ट्यूजडे को मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।